तो गाइस क्या आपको पता है आपके पास एक रूट है जिसके थ्रू आप यूके में फ्री में पढ़ सकते हो। अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है आप फ्री में कर सकते हो, आपको 1 रुपए भी देने पड़ेंगे। आपका आने जाने का खर्चा, आपका रहने का खर्चा, आपका पूरा का पूरा फीस, एजुकेशन फीस, सब कुछ आपकी फ्री में हो जाएगी अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर हम नॉर्मल सिनेरियो की बात करें, कोई भी आपको अगर मास्टर डिग्री करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है, चाहे आप अपनी कंट्री में हो चाहे आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, बहुत ही कॉस्टली होता है। इसमें आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट जिनके पास कैलिबर होता है, जिनको अच्छी नॉलेज होती है, बट प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट उनके पास नहीं होता, वो फर्दर स्टडी नहीं कर पाते और आगे जाके एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी स्कॉलरशिप है, अगर आपके अंदर प्रॉपर टैलेंट है और अगर आपको टाइम से अप्लाई कर देते हो तो वो स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। और उस स्कॉलरशिप में आप यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई सा भी मास्टर कोर्स कर सकते हो और वो फुली फंडेड होगा। और जब मैं फुली फंडेड बोलता हूं इसका मतलब आपका आने जाने का खर्चा, आपका रहने का खर्चा और पूरी की पूरी एजुकेशन जो कि उसकी कोर्स से रिलेटेड होगी पूरी की पूरी फंडेड होगी। आपको 1 रुपया भी जेब से नहीं देना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास नॉलेज है, बट प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। तो ये स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों के लिए है ताकि वो लोग आगे बढ़ सके और आगे पढ़ सके। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, मैं पूरा बताने वाला हूं क्या है स्कॉलरशिप, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या इसकी डेडलाइन होगी और आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपको कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करते टाइम। क्योंकि बहुत से लोग इसकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं बट वो कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से वो स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज में रिजेक्ट हो जाते हैं और उनको स्कॉलरशिप मिल नहीं पाती। इवन दो उनके पास टैलेंट होता है, उनको पूरी नॉलेज होती है, वो पढ़ना भी चाहते हैं, बहुत अच्छे और ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, बट उन कॉमन मिस्टेक्स की वजह से वो स्कॉलरशिप उनके हाथ से निकल जाती है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, पूरा डिस्कस करेंगे ये स्कॉलरशिप क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आप इसके लिए करेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमें मोटिवेट करता रहता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस ये है वो वेबसाइट ट्विनिंग की जहां पे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे बड़ा बटन, एक रेड कलर का बटन दिया, अप्लाई कर सकते हो। बट अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पूरी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपको क्या करना है, इस पेज पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है जहां पे आपको हु कैन अप्लाई का एक बटन दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक करोगे। देन यहां पे आपको एक कंफर्मेशन आएगा, आपको कंफर्म लिया होगा कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है 1 साल के मास्टर्स कोर्स के लिए। एंड देन यहां पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रहा होगा, तो आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पेज ओपन होगा जहां पे आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो अगर हम पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यू नीड टू बी अ सिटीजन ऑफ सर्टेन कंट्री, वो हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से जो कंट्री है इसके लिए एप्लीकेबल है। इंडिया इसके लिए एलिजिबल है, तो अगर आप इंडिया से हो तो इसके लिए अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हो। एंड देन दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अपने जो आपने डिग्री खत्म कर लोगे उसके बाद आपको एटलीस्ट 2 साल के लिए अपनी कंट्री में वापस आना पड़ेगा, सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मेंशन है। एंड थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन है कि आपने एटलीस्ट आपका जो ग्रेजुएट कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है, तभी आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यहां स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ जो मेन है वो ये है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, विच इक्वलेंट टू बी 2,800 hours ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ये आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। एंड देन आपको एक 3 different courses के लिए 3 different universities में अप्लाई करना होगा इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ एक कोर्स को डिसाइड कर लो कि मैं उसी कोर्स के लिए अप्लाई करूंगा, आपको थ्री डिफरेंट कोर्सेज सिलेक्ट करने होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में या सेम यूनिवर्सिटीज में भी, ताकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो पाओ। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है, आप जाके इसको गो थ्रू कर सकते हो कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर हम कंट्री स्पेसिफिक की बात करें कि कौन कौन सी कंट्री एलिजिबल है, तो ये एक उसका एक पेज है। अगर आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे लैंड कर जाओगे जहां पे आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सपोज मैं यहां पे इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पे आप देख सकते हो कि इंडिया इसमें एलिजिबल है। तो इंडिया से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। यहां पे बहुत सारे स्कॉलरशिप के नाम दिए हुए हैं। तो बेसिकली अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो क्या होगा, तो 12 सितंबर को ये स्कॉलरशिप ओपन हो जाएगी जहां से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर पाओगे, आप वो कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि इनकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, फिर कुछ टाइम के बाद ये उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इवैल्यूएट करेंगे जहां पे वो असेसमेंट होगा, वो रफली होगा मिड ऑफ नवंबर से दिसंबर के बीच में। जो रीडिंग कमिटी जो असेसमेंट होगा वो आपकी एप्लीकेशन को असेस करेगी, उसमें से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर, जो भी आपने स्कोर किया है, जो भी आपकी ग्रेजुएशन आपने करी है, जो भी आपने एप्लीकेशन फिल करी है, जिस हिसाब से उसके हिसाब से आपको असेसमेंट होगा और कुछ लोगों को सिलेक्ट कर दिया जाएगा। देन अर्ली मिड फरवरी तक आप
कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा एंड देन उनको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे अप्लाई करने वाले, तो सबको तो स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, तो उसमें से लिमिटेड लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे असेसमेंट के बाद एंड देन कुछ लोगों का इंटरव्यू होगा। देन फरवरी तक 2024 तक आपका जो जो डॉक्यूमेंट होंगे, एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपको जो सबमिट करने होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं विद टू रेफरेंसेज। एंड देन 26 फरवरी से 26 ऑफ अप्रैल 2024 तक इंटरव्यू प्लेस होंगे जो कि इन पैरेलल चल रहे होंगे। एंड देन जून में आपको रिजल्ट आ जाएगा कि कौन कौन सिलेक्ट हो चुके हैं। एंड देन जुलाई तक आपका जो ऑफर डेडलाइन होगा जो कि आपको सिलेक्ट करना होगा। एंड देन सितंबर और अक्टूबर इंटेक जो भी होता है उसमें आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो ये आपका जो प्रोसेस होगा, बेसिकली आप अप्लाई करोगे, फर्स्ट असेसमेंट होगा जहां पे कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, एंड देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसमें से भी कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, एंड फाइनली आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एंड अगर आप बात करें कि जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर, तो इन्होंने भी कुछ कॉमन मिस्टेक हाईलाइट की हुई है जो कि यूजुअली लोग कर देते हैं एप्लीकेशन फिल करते टाइम, तो उसमें गो थ्रू करते हैं कि क्या वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हो आप जब एप्लीकेशन फिल कर सकते, जब भी आपको एप्लीकेशन फिल करनी है, क्योंकि जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि बहुत सारे लोग उसी में से हट जाएंगे। आप सपोज करिए आपने 100 लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें से ऑलमोस्ट 90 लोग स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टेज में हट जाते हैं क्योंकि एप्लीकेशन में हम छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं और उसकी वजह से हमारा इनिशियल स्टेज में ही रिजेक्शन आ जाता है। तो हम देखते हैं कि क्या वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने से पहले। तो गाइस ये है वो कॉमन एरर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या वो कॉमन एरर है जो कि आपको अवॉइड करने हैं ताकि आपका इनिशियल रिजेक्शन ना हो, जो आपके गाइडेंस पेज में दिख जाएंगे। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ, जो प्री स्क्रीनिंग होगी, एप्लीकेंट मस्ट करेक्टली आंसर ऑल पार्ट ऑफ एलिजिबल प्री स्क्रीनिंग इन ऑर्डर टू एक्सेस एप्लीकेशन फॉर्म। तो इनकरेक्ट आंसर टू वन ऑफ दीज क्वेश्चन वुड रिजल्ट इन एप्लीकेंट फेलिंग इन प्री स्क्रीनिंग स्टेज। तो आप जो प्री स्क्रीनिंग स्टेज है बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि मैक्सिमम रिजेक्शन इसी स्टेज में होते हैं, तो आपको एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे से भरनी है और करेक्टली भरनी है। तो पहला लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, तो पहला इन्होंने मेंशन किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेंट मस्ट करेक्टली कंप्लीट ऑल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू बी कंसिडर्ड एलिजिबल। ओनली एलिजिबल एप्लीकेंट विल बी प्रोसेस बिलो आर द सेक्शंस ऑफ एप्लीकेंट फॉर्म वेयर एप्लीकेंट हैव मेड मोस्ट कॉमन एरर। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपकी बहुत ही क्रिटिकल है, तो सबसे पहला इन्होंने मेंशन किया है वो है पर्सनल डिटेल। एप्लीकेंट हु इंडिकेट दे हैव ड्यूअल सिटीजनशिप फ्रॉम यूके कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एन अवार्ड। तो अगर आपके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है यूके की, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो नेशनैलिटी है, सिटीजनशिप है, वो क्या है, आपको पर्सनल डिटेल करेक्टली भरनी है। अब बात करते हैं जो सेकंड कॉमन मिस्टेक होती है, वो वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड होती है। तो एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम ऑफ 2800 आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इनएलिजिबल हो जाओगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपको करेक्टली पोर्ट्रे भी कर रहे हो, कि आप वर्क एक्सपीरियंस करेक्टली दिखा भी रहे हो। Those who cannot demonstrate that they have worked the minimum number of hours cannot be considered for scholarship. तो इन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आप कर देते हो। सम कॉमन एरर एप्लीकेंट मेड आर नॉट मीटिंग द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स वर्क प्रायर टू सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मिनिमम आवर्स जो 2800 उन्होंने मेंशन किया वो नहीं है, तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे। नॉट एंटरिंग द करेक्ट टोटल नंबर ऑफ वीक्स वर्क फॉर ईच ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली आपने काम किया है बट आपने नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ वीक्स है वो आपने गलत फिल कर दिया। तो इन्होंने पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई है, आप जाके चेक करिए कि क्या वो कैलकुलेशन आपको एप्लीकेशन सही से भरनी है। एंड देन एंटरिंग द अनरियलिस्टिक नंबर ऑफ आवर्स और वीक अराउंड फॉर एग्जाम्पल 2000 आवर्स रेदर देन 20 आवर्स पर वीक। तो जो भी आपको डिटेल भरनी हो पर वीक की भरनी है, एंड देन वो कैलकुलेट होगी, तो आपको 2000 नहीं भरनी, आपको 20 आवर्स पर वीक की भरनी है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपको जो डिटेल है वो करेक्ट भरनी है। एंटरिंग द सेम वर्क एक्सपीरियंस एंट्री मोर देन वन, तो आपको एक एक्सपीरियंस को बार बार नहीं भरना। तो आप देखो छोटी छोटी डिटेल यहाँ पे मेंशन की हुई है, अगर आप एक ही चीज को दो बार भरोगे तो वो आपको क्या पोर्ट्रे करेगा कि आपको कुछ पता ही नहीं, आप एप्लीकेशन ठीक से फिल ही नहीं कर रहे, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगे वो इस केस में। तो आपको ध्यान रखनी है कि आप ये छोटी छोटी डिटेल को नहीं कर रहे हो और उस चीज को सही से भर रहे हो। एंड अगर बात करें जो सेकंड कॉमन मिस्टेक्स है वो होता है यूके यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना। तो जैसे मैंने बताया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने मेंशन किया हुआ 3 डिफरेंट कोर्सेज आपको सिलेक्ट करने हैं। तो अगर सपोज करिए आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो एंड देन यू एंटर डुप्लीकेट कोर्सेज एट सेम यूनिवर्सिटीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर स्कॉलरशिप। सो उन्होंने मेंशन किया हुआ है एप्लीकेंट मस्ट सिलेक्ट 3 डिफरेंट कोर्सेज। अगर इसको एक्सपेंड करें 3 डिफरेंट कोर्सेज क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू विल नीड टू सिलेक्ट 3 डिफरेंट मास्टर्स कोर्सेज। These can be different courses at same university. तो आपको basically 3 different courses select करने, same university में हो सकते हैं, different universities में भी हो सकते हैं, 3 different courses आपको select करने हैं और 3 different और similar courses
एट अप टू थ्री डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। आपको एक यूनिवर्सिटी में थ्री डिफरेंट कोर्सेज भी कर सकते हो या सॉर्ट ऑफ सिमिलर कोर्सेज थ्री डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी कर सकते हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको एक ही कोर्स सेम यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं वो डिक्लेरेशन सेक्शन में करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि आपको यस सिलेक्ट करना है, नो सिलेक्ट करना है, उसको केयरफुली पढ़ो पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा क्या हुआ है, उसके बाद ही सिलेक्ट करो। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट दैट एप्लीकेंट विल आस्क टू आंसर। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आई कन्फर्म दैट आई एम नॉट एम्प्लॉयड एंड हैव not been employed since 1st July 2018 in permanent or temporary role in following organization. His Majesty Government or Association of Commonwealth Universities. If applicants answer no, then this indicate that applicant is employed by one of these institute and therefore cannot be considered for award. तो अगर आप इस for example अगर आप ये जो section में declaration आपने करना है, यहाँ पे आपने no select कर दिया, तो बीच मीन आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाते हो। तो ये देख सकते हो यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना है। इसके साथ साथ बहुत सारे डिक्लेरेशन आएंगे, वहां पे आपको करेक्टली उसको पढ़ के करेक्टली आपको उसको सिलेक्ट करना है, यस और नो आपको अच्छी से पढ़ना है, थरली उसको रीड करना है, अंडरस्टैंड करके ही फिल करना है। एंड देन एप्लीकेशन क्वेश्चन वर्ड काउंट, एप्लीकेशन मस्ट मीट द मिनिमम वर्ड काउंट इन एसे क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको एक एसे भी लिखना होगा और मिनिमम काउंट जो उन्होंने दिया हुआ है वो आपको फुलफिल करना है, मिनिमम मैक्सिमम जो भी उन्होंने मेंशन किया है वो आपको फुलफिल करना है, अदरवाइज आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाओगे। देन रिपीटेशन, एप्लीकेशन शुड नॉट रिपीट आंसर ऑफ एनी ऑफ द एसे क्वेश्चन। सो बेसिकली आप सपोज आपने एक सेक्शन में कुछ आंसर लिखा, सेम वर्डिंग सेम लाइन आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको उसको डिफरेंटली डिफरेंट फॉर्मेट में भरना होगा, डिफरेंट वे में लिखना होगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है, रिपीटेशन आपको नहीं करनी है। प्लीज डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट सेम आंसर इन टू मोर देन वन बॉक्स। अगर आप एक ही आंसर कॉपी पेस्ट कर दोगे दो एक से ज्यादा बॉक्स में जहां पे आपको आंसर फिल करना है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाओगे। देन आता है कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, प्लेगरिज्म मतलब कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपने गूगल से कोई आंसर कॉपी करके चिपका दिया या आजकल एआई चैट जीपीटी आ गया है उसके आपने क्वेश्चन भर के आपने वहां से उठा दिया, तो ये बहुत ही स्मार्ट है, इनके पास भी एआई टूल्स हैं जो कि आपको चेक कर लेंगे कि आपने क्वेश्चन गूगल से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया हुआ। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एप्लीकेंट मस्ट कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म इन इंग्लिश। अगर आप कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, कोई और लैंग्वेज में एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि इन्होंने मेंशन की हुई है, ताकि आप अवॉइड करो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले, ताकि आपको रिजेक्शन ना मिले। सो गाइस ये था आज का वीडियो, जिसका मेरा मोटिव सिर्फ ये था आपको एक स्कॉलरशिप के बारे में बताना जो कि करंटली एक्टिव है और इसकी एंड डेट मैंने आपको बता दी है। इसको अगर आप अप्लाई करते हो और अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको एक रुपया भी जेब से देना पड़ेगा और आप यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई सा भी मास्टर्स कोर्स कर सकते हो और आपको आपकी पढ़ाई पूरी की पूरी फ्री मिलेगी और आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। तो गाइस ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिनके अंदर कैलिबर है, जो आगे पढ़ना चाहते हैं बट उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उनको अलाउ नहीं करती आगे पढ़ने के लिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी हेल्प से उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, तो उनके साथ शेयर डेफिनेटली कर देना। सो वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून, अंटिल देन टेक केयर, बाय।